मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? हम सब ठीक है। बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। सैटरडे है आज। पैसा गिरेगा चप्पल पे ना। आज बेटे का फंडे है तो इसीलिए आज फंडे की वजह से मैं लंच में कुछ दूसरा होना चाहिए तो इसलिए मैं भी नूडल्स बना दी। ये बादाम छील के रख ली हूँ और ये अंडा भी छीलती हूँ और छोटे छोटे वाले नवाब को मैं रेडी करती हूँ, है ना आयन? खा रहा है? खाओ खाओ, फिर मैं जूता पहना दूंगी। ले खा ले, जब मैं खिला दे दे। अरे खा ले ना, इस सर्दियों में खाना चाहिए। वहां तक कितना ठंड है। हाथ गरम मत करो, अभी टाइम हो ही गया, रुक जा मैं दे रही हूँ। 7:09 हो गया है आयान। कहा देखिए पैसे कहा रखा बेटा, ऐसे गिर जाएगा कहीं, देखना। चेन है इसमें, चेन लगा लो, चेन लगा लो, चेन लगा लो। नहीं इसमें चेन, पॉकेट में चेन लगा लो, गिर जाएगा वहां से, कोई उठा के लेके चला जाएगा। हाँ अभी वहां सेफ्ट हो गया। लड़ाई झगड़ा मत करो, अभी टाइम हो जाएगा, रुक जा, अभी जाना ही पड़ेगा बाहर। किसी को नूडल्स खाना है? फिर लड़ाई झगड़ा। आन कर रहा, छोड़ो इनको ही। लाइट अभी तक नहीं जल रही है। जलने जलने क्या हो गया? हाँ जलने जलने अभी तक लाइट ही नहीं है। छोड़ दे, सीसीटीवी कैमरे का है क्या? इन लोगों ने सीसीटीवी, इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा हुआ है। सही है, लगाना जरूरी भी है। हाँ देख कितना गंदा कर रहे, इधर आ। सवेरे सवेरे पानी आ गया, सवेरे सवेरे। मम्मा जी, मम्मा, और ये है यार। बच्चों का फैशन है। जिम से मैं आ गई हूँ, आते वक्त सब्जी भी लेके आई हूँ। आज लेकिन बथुआ साग जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो लेके आया। अभी सब काम वाम करके फिर बथुआ साग चुन चान के रख दूँगी, कल बना दूँगी। और आज लेग्स डे था, एक्सरसाइज में हालत ख़राब हो गई। जिस दिन लेग्स डे रहता है उस दिन बहुत हालत ख़राब हो जाती। अभी जाती हूँ अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। कुछ तो खाना तो हो गई। अभी मैं ये साग साफ कर रही हूँ। सबसे गंदा काम लगता है मुझको साग साफ करना। ये साग में साफ करी, इधर तो हो गया, इतना तो कर ही ली। बस अभी ये थोड़ा सा हेल्प करूँगी, कपड़े सब फैलाव से कपड़े तय करूँगी, किचन को सेट करूँगी, फिर मैं नहाने जाऊँगी। ये सबसे गंदा काम मुझे लगता है साग साफ करना। बाकी कोई काम कर मैं कर लूँगी, लेकिन ये काम करने के जब बोलते हैं ना खाने में, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन पकाने में हाँ अल्लाह मत पूछिए। काम करता है ना आयन, मैं खूब पीटूंगा। बकरी पर तो मैं रोएगा तो ठीक नहीं होगा, मैं बोल देती हूँ तू बहुत बिगड़ गया है। पापा को फोन करती, रुक जा। तेरे क्लास टीचर को मैं अभी फोन करूँ? करूँ क्लास टीचर को फोन? बोला था तू कभी भी जब भी बदमाशी करे क्लास टीचर को फोन करने के लिए करूँ? हाँ रुक जा, अभी करी, रुक जा। यहाँ गाड़ी बोल रही है। खा लो जाओ, कोई दिक्कत नहीं।
अभी अभी मैं दवाई ली तो पेन किलर ले लेना। हाँ हाँ के लिए जरूरी है। हाँ सही बात है, जो नए नए आते हैं वो सही बात है, वो जरूरी है। मार्केट से आ चुके हैं, मार्केट से आ गई और किचन में घुस रही। वो मोमोस लेके आते बेटे, मैं खबर ये है रेडीमेड मोमोस। अभी मैं फटाफट बेटी को, बेटी को स्टीम करके दे दी, खा ले लो। वो बर्गर वाले के बारे में, बर्गर वाले के बारे में भी बोल रहे थे। हाँ ये तो पता चल जाएगा ना। ये है चिकन मोमोस, ये जोर गलत हो, चिकन मोमोस ये स्ट्रीम कर दी। चटनी थोड़ी गर्म करनी पड़ेगी। चटनी कौन सा खाएगा, हम लोग तो खाएंगे। तू ये मोमोस नहीं खाएगी, खाना खाएगी, लाई हूँ ना मैं। ओ गरम करनी उसको, किसको वो चिकन नहीं, मुझे लगा कि अपने गैस चढ़ा के रखा हुआ है इसमें। अभी साफ भी नहीं, इसीलिए तो मैं इसको बुला रही थी। मैं अभी आके ना कहीं मार्केट से काम करके बंद कर दूँ, आराम से थे हम लोग। थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के, थोड़ा बहुत कुछ ही नहीं। आज मैं बेटी का स्कूल का केबी स्कूल का हाफ टी हाफ 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 स्वेटर और ये ठंड बढ़ती जा रही है तो ये नीचे का इनर और क्या है, ऐसा कुछ खास नहीं है। और मैं अपने लिए दो ये ली हूँ, लोअर ली हूँ घर में पहनने के लिए, टी शर्ट के साथ आराम होता है ऐसा पहन के, पहनते रहो काम करते रहो। बस इतना ही शॉपिंग और कुछ नहीं है। और कल के लिए कुछ लेके, कल के लिए भी शॉपिंग करके आ गई और बस खाना भी खा ली। कल के लिए भी मैं सब्जी वगैरह लेके आ गई और घर में फ्रिज में कबाब चिकन वगैरह ला के रख दी, क्योंकि पता ही है बच्चे घर को घर में कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो फिर बनाओ, इसलिए मैं रेडीमेड ला के रख लेती हूँ क्योंकि मेहनत ना ज़रा करनी ना पड़े। बस अभी बस अब सोऊंगी, मेरे को सर भी दर्द कर रहा है बहुत। आए तंग मत करो। हाँ मोमोज भी लाई इधर, ये मोबाइल इधर, फ़ोन को चार्ज में लगा थी, चार्ज होने दे। कितना 87 हो क्या इतना जल्दी, झूठ बोल रही है ना, उस टाइम तो बैटरी पूरा लो था। एंजल एंजल दवाई मुझे बहुत सर दर्द कर रहा है।